नमस्ते कार और आज हम खड़े हैं इंडियन एस के सामने जिसका नाम है टाटा सफारी 1998 में लॉन्च हुई थी और ये 2021 का थर्ड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में आती है रेंज शुरू होती है एक शोरूम फोर्टीन लाख सेवेंटी थाउज़ेंड रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है ट्वेंटी वन लाख फोर्टी फाइव थाउज़ेंड रुपीज़ और ये टॉप मॉडल एक्सैड ए प्लस एडवेंचर आप देख रहे हैं ये सिक्स सीटर मॉडल है सेवन सीटर का भी ऑप्शन है इंडिया की सबसे फेमस एस में से एक रही है सफारी ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है सफारी ये लैंड रोवर के डी प्लेटफॉर्म से लिया गया है और ये फॉग लैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक जेनॉन एच प्रोजेक्टर हेड प्रोजेक्टर और ये पियानो ब्लैक ट्राई एरो मोटिव ग्रिल टाटा का लोगो सफारी मैस्कॉट डूबल फंक्शन एलईडी डीआरएल टर्न इंडिकेटर के साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं सन रूफ है पियानो ब्लैक रूफ रेल्स हैं शार्क फैन एंटेना है सफारी का लोगो है रूफ रेल्स पे मोनोकॉक जैसी है इंडियन कंडीशनस में ट्वेंटी टू लैक किलोमीटर टेस्ट करके बनाई है टाटा ने सफारी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर के साथ व्हील आर्चेज और प्रोडक्टिव साइड क्लैडिंग है 4.6 मीटर लेंथ है 1.7 मीटर हाइट है 11.6 मीटर टर्निंग सर्कल डायमीटर है और 1800 हंड्रेड के वेट है सफारी का और यह है 18 इंच के चारकोल ग्रे मशीन डेलोई व्हील 16 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे टाटा मोटर्स का इम्पैक्ट 2.0 पॉइंट जीरो डिजाइन लैंग्वेज है और यहाँ से भरेंगे डीजल ये ट्रॉपिकल मिस्ट लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हैं वाइट ग्रे और डार्क ब्लू कलर का भी ऑप्शन है पहले इसका नाम बजार्ड और ग्रेविटास रखा गया था बट फिर उसे सफारी कर दिया गया आगे एंटीरोल बार और क्वाल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैगबर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे क्वॉयल स्प्रिंग और पैनहार्ड रॉड के साथ सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड सस्पेंशन मिलेंगे ट्विस्ट ब्लेड रियर सस्पेंशन को यूके की लोटस इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया तीन है तीन टरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं नॉर्मल रफ और वेट रियर पार्किंग सेंसर्स हैं 16 इंच का स्पेयर व्हील टेल पाइप सफारी की बैजिंग टाटा का लोगो रियर वाइपर स्पॉइलर हाई माउंट स्टॉप लैम्प लायन फैमिली का डिज़ाइन और यह है सिग्नेचर ट्विन ट्यूब थ्री डी एल टेल लैम्प सेफ्टी के अंदर सिक्स एयरबैग ए बी एस ई बी डी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल होल्ड कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल रोल ओवर मिटिगेशन कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल रियर पार्किंग सेंसर्स पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम रिमोट सेंटर लॉकिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रिवर्सिंग कैमरा हिल डिसेंट कंट्रोल फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और आई एस ओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे एक्सेरीज में भी कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे क्रोम एग्जॉस्ट डोर वाइजर अंडर बॉडी लाइट्स फ्रंट पार्किंग सेंसर साइड स्टेप क्रोम गार्निश रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस चार्जर स्कफ प्लेट फ्रंट कैमरा एयर प्यूरीफायर कारपेट रूफ बॉक्स व्हील स्टेप बोनेट स्कूप और साइकिल कैरियर आइए बूट ओपन करके देखते हैं तो यहां आपको मिलेगी 73 लीटर की बूट स्पेस थर्ड रो फोल्ड करने पर आपको मिलेगी 750 लीटर की बूट स्पेस और ये टूल किट साइड में लाइट है यहां से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं इससे ऊपर कर सकते हैं आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं नाइन स्पीकर्स, 320 ट्वेंटी वाट का जे बी एल साउंड सिस्टम मिलेगा सफारी में एम्पलीफायर के साथ डोर पे नीचे लाइट है स्पीकर बॉटल होल्डर काफ़ी स्पेस है लेदर फिनिश है डोर पे पावर विंडो का बटन जे बी एल के स्पीकर और ये है बैनिक कलिको की लाइट ब्राउन लेदर अपोलस्ट्री व्हाइट कलर का भी ऑप्शन है कैप्टन सीट्स हैं बेंच सीट्स का भी ऑप्शन मिलेगा सीट के पीछे पॉकेट्स हैं एम एंड मूड लाइटिंग है और ये स्काईडोम सनरूफ सीट को फोल्ड कर लेते हैं तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे सफारी में इको सिटी और स्पोर्ट और ऐसिक हैं थर्ड रो सीट्स फिफ्टी फिफ्टी स्प्लिट थर्ड रो सीट्स हैं साइड में पॉकेट है ए सी के कंट्रोल्स हैं बॉटल होल्डर है यहाँ पर दो यू एस बी पोर्ट हैं बॉटल होल्डर है आम रेस्ट हैं दो यूएसबी बी पोर्ट हैं नीचे यहाँ थोड़ी स्पेस लम्बर सपोर्ट यहाँ से आप पैसेंजर सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे है डैशबोर्ड लेदर रैब्ड गियर नॉब है। हैंडल बार रीडिंग लाइट पिलर स्पेस इवेंट हैं यहाँ पर भी हैंडल बार लाइट है आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट आइरा कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी है जिसमें आप स्मार्टफोन से ही सफारी के कई फीचर्स कंट्रोल और चेक कर सकते हैं नीचे लाइट है डोर पे लेदर फिनिश पावर विंडो का बटन और ये विन प्लेट जर्मन कंपनी बेनेकलिको ने डिजाइन की है ये पॉलस्ट्री। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहां पर भी डोर पे नीचे लाइट है स्पीकर है बॉटल होल्डर और काफी स्पेस दी गई है डोर पे लेदर फिनिश पावर विंडो के कंट्रोल्स, ओ आर वी एम के कंट्रोल और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन सिक्स वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट के साथ पीछे से ही आप फ्रंट पैसेंजर सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और ये है टेल्ट और टेलेस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आमरेस के अंदर भी काफी स्पेस है दो यूएसबी पोर्ट हैं और 12 वोल्ट का पोर्ट है दो ग्लास होल्डर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो तो होल्ड का बटन और यह है सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा तीन टरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं साइड में हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है उस साइड ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है आगे ऑक्स और यूएसबी के पोर्ट हैं और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल ए और ये फॉग लाइट हजार्ड लाइट इको और स्पोर्ट ड्राइव मोड के बटन्स। दो एसी वेंट हैं ये इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स और ये है 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यू एस बी ऑक्स वॉइस रिकॉग्निशन, एस एम एस रीड आउट वॉइस अलर्ट ब्लूटूथ एफ एम और रेडियो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इन्फरटेनमेंट का ये रियर कैमरा डिस्प्ले यहाँ से आप नॉर्मल वाइड और जूम कर सकते हैं कैमरा को ये ड्राइव नेक्स्ट ये साउंड डेमो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ब्लूटूथ ऑडियो यूएस बी रेडियो ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश पिलर्स पे जे बी एल के स्पीकरस हैंशबोर्ड फिनिश है डैशबोर्ड पे और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स लाइट के साथ और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और ये रीडिंग लाइट और ये है पेनारोमिक सनरूफ पेंच और रेन सेंसर फंक्शन के साथ बारिश होते ही ऑटोमेटिक सनरूफ क्लोज हो जाएगी और यह ड्राइवर साइड सनवाइजर और यह है लेदर रैप्ड रैक एंड पिनियन पावर स्टेरिंग ये फोन वॉल्यूम इन्फोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल टाटा का लोगो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल ये लाइट के कंट्रोल ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेवन इंच टी डिस्प्ले के साथ ये दिखाएगा स्पीड आर पी एम ऑडोमीटर फ्यूल लेवल कूलेंट टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर टाइम सेटिंग्स और का इंफॉर्मेशन ये रफ मोड ये वेट मोड मोड आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन तो ये है 2000 थाउजेंड सी सी इन लाइन फोर सिलेंडर बी एस सिक्स टर्बो चार्ज क्रायोटेक एट मल्टीजेड डीजल इंजन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर ई वी जी टी के साथ वन सिक्सटी सेवन हॉर्स पावर है थ्री फिफ्टी एन एम टॉर्क है फोटीन का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन से थर्टीन का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से फिफ्टी लीटर के फ्यूल टैंक से और वन सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है फिफ्टी लीटर का डेफ टैंक है लाइट वेट और लो फ्रिक्शन ट्रेन आर्किटेक्चर एडवांस एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ई और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है क्रायोटेक 170 सेवेंटी इंजन तो कैसी लगी आपको टाटा सफारी एडवेंचर हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू